योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकलोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिमानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिमानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिमान आसनों के क्रम में अब आपके समक्ष प्रस्तुत है सर्वांग आसन। सर्व अंग और आसन ये तीन शब्दों से मिलकर बना है सर्वांग आसन, जिसका अर्थ है सर्व का अर्थ है सभी अंगों का, जिससे व्यायाम हो जाए ऐसा आसन। इसमें हमारा रक्त परिभ्रमण शरीर का वो पैरों से चल कर के और उदर होते हुए हृदय और फिर कंठ और उसके बाद शीर्ष स्थान सिर की ओर होता है, जिससे हमारे बहुत से रोग दूर होते हैं, स्मृति तीव्र होती है, बाल जल्दी नहीं पकते, आँखों की दृष्टि भी ठीक रहती है, कानों की शक्ति ठीक रहती है और हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ या मुहासे कीलें ये सब नहीं होती हैं। तो इस तरह ये आसन युवावस्था के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि युवावस्था में ये सारे लक्षण युवा बालक बालिकाओं में प्रकट होने लगते हैं। यह आसन बहुत आसान लगता है भी आसान, किंतु इसको बहुत सावधानी से और धैर्य के साथ करने की आवश्यकता है, जिससे कहीं भी शरीर में तनाव न हो और किसी तरह का जर्क झटका ये न लगे। शीर्षासन में सिर के बल खड़े होते हैं, इसमें सिर के बल खड़े नहीं होते, इसमें केवल कंधों पर ही सब भार रहता है, सिर हमारा कंधों के साथ लगा हुआ, लेकिन हमारे पैर उसी तरह से एंगल में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधे आकाश की ओर हो जाते हैं। और उस अवस्था में जब हम रहते हैं तो यह सर्वांग आसन कहलाता है। अब इसकी विधि को हम इन बच्चों को करते हुए देख करके सीखें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले भूमि पर लेट जाते हैं, सिर की ओर पैरों को मोड़ करके थोड़ा सा झुकाएं और फिर उसके बाद दोनों कोहनियों के सहारे इनको संभालते हुए ऊपर आकाश की ओर तान दें दोनों पैरों को मिलाकर, और हाथ का सपोर्ट दे दें कमर में, जिससे कि ये वहाँ रुके रहें। इस प्रकार से इस आसन को किया जाता है। आसन की स्थिति, दोनों पैर मिलाएं, पैरों को ऊपर की ओर धीरे धीरे उठाएं, हाथ का सहारा लगा लें अगर नहीं उठा पाते हों, और अपने सिर की ओर पीछे की ओर पैरों को ले जाएं,
ये हलासन का रूप हुआ, पीछे की ओर सिर की तरफ झुका दें, जितना भी आसानी से झुका सकते हैं, अगर ज़मीन से लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर हाथों को मुक्त करके और आगे की ओर ज़मीन पर हथेलियां नीचे करते हुए लगा के रखें। इस स्थिति का नाम है हलासन। जैसे हल होता है खेत जोतने वाला, उसका जैसा रूप होता है वैसा है। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली हो गई, पूरी तैयारी हो गई, अब सर्वांग आसन आसानी से हो सकेगा, इसलिए इसका पूर्ण रूप इसको मानते हैं। अब पीछे से पैरों को धीरे धीरे लाइए और आकाश की ओर सीधा करके दोनों हाथों का सपोर्ट देकर और अपनी कमर में दोनों हाथ लगा करके इसको पकड़ लीजिए और पैरों को दोनों हाथों से सपोर्ट दे दीजिए। दृष्टि को ऊपर की ओर देखिए, पैरों के नाखून की ओर, वहाँ आपकी दृष्टि एकाग्र रहेगी। तो ये आसन इस रूप में ही अपने आप में पूर्ण होता है। इससे हमारा रक्त संचार सारा मस्तिष्क की ओर, फेफड़ों की ओर, गले की ओर ऊपर से जाता है और रीढ़ की हड्डी भी हमारे सारे उसको भार को बहन करके मजबूत बनती है। अब धीरे धीरे इसको नीचे हाथों को लेकर धीरे धीरे पैरों को धीरे धीरे आगे की ओर हाथ का सपोर्ट दे करके करें, हाथ का सपोर्ट बीच में दे लें, रीढ़ की हड्डी ज़मीन से लगाते हुए और धीरे धीरे वापस आते जाइए। अपने पैरों को नीचे लाइए और ज़मीन पर रख करके थोड़ी देर शरीर को शिथिल कर लें शवासन में और श्वास को धीरे धीरे सम करें। जब श्वास सम हो गया तो इसके बाद मत्स्यासन करने का विधान है। आइए मत्स्यासन की स्थिति में हाथों का सहारा लेकर के उठ करके बैठिए और एक बार हाथों को ऊपर ले जाते हुए श्वास भरें और अब श्वास निकाल के पद्मासन की स्थिति बनाइए। पैरों की एक पैर को दूसरी जगह पर और दूसरी पैर को पहले जगह पर रखकर आप धीरे धीरे पीठ के बल लेटते जाइए, कोहनी का सहारा देकर, और जैसे चक्रासन में पीछे ले जाते हैं हाथ, उसी तरह से हाथों को पीछे लेकर नीचे की ओर करके गर्दन को ऊपर उठाना है, जिससे गर्दन ऊंची हो जाए और हमारे फेफड़े भी ऊपर की ओर हो जाएं। अब दोनों पैरों के अंगूठे दोनों हाथों से पकड़कर इस स्थिति में अपनी ओर खींचेंगे पैरों को और श्वास भर के, जैसे मछली फूलती है, श्वास भरती है फिर निकाल देती है, ऐसे ही कई बार श्वास लें और निकालें, श्वास लें और निकालें। इससे शरीर की स्थिति सम हो गई। आप धीरे धीरे मालिश कर लें गर्दन की, जिससे गर्दन पर जो दबाव पड़ा था वहाँ की नाड़ियाँ भी अपनी सही स्थिति में आ जाएं। उसके बाद हाथों से पुनः अंगूठे पकड़ें और हाथों का सहारा दे करके आप गर्दन को सीधा करें और आप धीरे धीरे हाथ का सहारा देकर उठ करके सीधे आ जाएं और आप दोनों पैरों को खोलकर सामने की ओर कर दें और पीछे की ओर एक बार फिर लेट जाएं शवासन की स्थिति में। आंखें बंद करें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, हथेली आकाश की ओर, उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई। आप श्वास सम करके हाथ का सहारा लेकर करवट लेते हुए एक हाथ को ऊपर एक को बगल से सहारा देकर उठ करके खड़े हो जाएं।
इस प्रकार यह सर्वांगासन हमारे घुटनों को, पैरों को, उदर को, वक्षस्थल को, लिवर को, पैनक्रियास को और हमारे गले को और उसमें जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनको और उसके ऊपर हमारे मस्तिष्क के भाग को, सभी को प्रभावित करता है, सभी के रोगों को निर्मूल करता है, जिससे हमारे अंदर रक्त संचार ठीक होने लगता है, हमारी पाचन क्रिया इससे ठीक होती है, भूख ठीक लगती है, हमारे गले के रोग टॉन्सिल्स और थायराइड, कान के रोग, दांत के रोग और आँखों के रोग और सिर के रोग ये सब ठीक होते जाते हैं। सर्वांगासन हमारे वास्तव में सभी अंगों को नया जीवन देता है। इसको सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। सर्वांगासन से लाभ। सर्वांगासन से स्मृति तीव्र होती है, बाल झड़ते नहीं और जल्दी से सफेद भी नहीं होते, आँखों की दृष्टि और कानों की शक्ति ठीक रहती है, इससे हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। इसके साथ साथ मुहासे या कीलें भी निकलने में कमी आती है। इस आसन से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हृदय रोगी, सिर दर्द के रोगी, स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी इस आसन को न करें। इस प्रकार सर्वांगासन वो संपूर्ण हुआ। ओम। योगाभ्यास से संबंधित कुछ सावधानियाँ। योगाभ्यास योग गुरु की देखरेख में करें। हर आसन की एक निश्चित विधि होती है जिसका पालन करना जरूरी है। अभ्यास का स्थान खुला, साफ सुथरा और हवादार हो। अभ्यास अपनी शक्ति से ज्यादा ना करें। अभ्यास के दौरान पंखा ना चलाएं। यदि बीमार हो या योग का अभ्यास करते समय कोई परेशानी या थकान महसूस हो तो योग गुरु या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। Shanti.